नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कारपॉइंट चल के एक नए वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको चारकोल कैनिस्टर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो आप पूरी यूनिट देख रहे हैं, ये सभी कार में लगी होती है और ये हमारी कार में लगा हुआ चारकोल कैनिस्टर है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में इसके बारे में ही बात करने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से काम करता है और इसका हमारी कार में क्या काम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी कार में लगा हुआ ये जो चारकोल कैनिस्टर है, इससे दो पाइप जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे, एक पाइप ये है और एक इसके बगल में दूसरा पाइप दिया गया है। तो जो पहला वाला पाइप है वो हमारी कार की जो फ्यूल लाइन है उससे होता हुआ वापस हमारे फ्यूल टैंक में जाता है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि जो वापस फ्यूल टैंक में जा रहा है, और ये जो दूसरा वाला पाइप है ये हमारी कार की थ्रोटल बॉडी में जा रहा है यहाँ से। तो इस तरह से ये कनेक्ट होते हैं। और इसको दोस्तों चारकोल कनेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर चारकोल भरा होता है। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों कि 90 के दशक के बाद जितनी भी कार आ रही हैं उनमें ये लगकर आ रहा है। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों इसका काम क्या है। तो ये जो यूनिट है दोस्तों सभी कार में मिलती है और अलग अलग जगह पर इसको लगाया जाता है। और इसका जो काम है दोस्तों, जो हमारी कार का फ्यूल टैंक है, गर्मी के कारण जो उसके अंदर फ्यूल होता है वो बाष्पीकृत होता है, वेपोराइज होता है, और जो फ्यूल है वो हवा में मिलता है। यानी कि फ्यूल जो होता है वो हवा में मिल जाता है, जिससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। साथ ही दोस्तों जो फ्यूल की मात्रा हमारी कार के टैंक में है वो कम हो जाती है, कुछ हद तक कम हो जाती है, कुछ परसेंट कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों ये जो यूनिट है, जो बाष्पीकृत होकर जो भी फ्यूल उड़ता है वो एक लाइन के थ्रू, ये जो आप पाइप लाइन देख रहे हैं इसके थ्रू इस यूनिट में आता है। ठीक है, उसके बाद जो बाष्पीकृत फ्यूल है उसको लिक्विड में चेंज करके, यानी वापस पेट्रोल में चेंज करके, ये हमारी कार के थ्रोटल बॉडी में जाता है। यानी कि जो इंजन है उसमें वेपोराइजेशन के कारण जो भी फ्यूल वेस्टेज चला जाया करता था उसको भी यूज कर लिया जाता है। तो ये जो कैनिस्टर है दोस्तों, इसको लगाने का यही मकसद है कि जो भी गर्मी के मौसम हमारी कार के फ्यूल टैंक से बाष्पीकृत होकर फ्यूल उड़ जाया करता था, पर्यावरण में मिल जाया करता था और वेस्टेज चला जाया करता था कुछ मात्रा में फ्यूल, उसको भी यूज किया जाए। तो उस फ्यूल को इस पाइपलाइन के थ्रू इस कैनिस्टर में लाया जाता है जिसके अंदर चारकोल होता है। और चारकोल दोस्तों जो होता है उस वेपोराइज फ्यूल को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वापस से पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है, और जो कि हमारी कार के इंजन को चलाने में फिर से यूज कर लिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।